गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं MD10। फाइनली हम उदयपुर पहुंच चुके हैं। उदयपुर पहुंचने में हमें बहुत टाइम लग गया, या यूँ कह सकते हैं बहुत जद्दोजहद के बाद हम जो है उदयपुर सिटी पहुंचे हैं, और अभी हम इंटर करने वाले हैं सिटी पैलेस के अंदर। कार्स, हमें फुटपाथ पे चलना होता है इस साइड में, और कार जो है यहाँ से इंटर करती है। आप देख सकते हैं अभी इनका रेट बढ़ गया, पहले 300 रुपये था जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती थी, लेकिन अब जो है इनका एंट्री फीस 330 रुपीज़ हो गया है। 330 रुपीज़ में आपको म्यूज़ियम और बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। ये गणेश पोल है, पोल यहाँ पे हर गेट को कहते हैं। और ये है पहला व्यू, फर्स्ट व्यू सिटी पैलेस का, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। इंटर होने के साथ साथ इसकी कुछ इमेजेस भी ले लेते हैं। ये आप पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा, बहुत छोटा सा पैलेस देख सकते हैं। ये पैलेस स्पेशली मानसून देखने के लिए बनाया गया था, इसको मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए कितना बढ़िया व्यू है। तो अभी हमने टिकट ले लिया है, हमने बोट राइडिंग के लिए भी टिकट लिया है। बोट राइडिंग का टिकट जो है 500 रुपये पर पर्सन है, और चाइल्ड के लिए 250 रुपये। तो हमने ये डिसाइड किया है कि पहले हम जो है म्यूज़ियम घूमेंगे और सिटी पैलेस को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद जो है हम ये पिचोला लेक पे जाएंगे। और ये बीचों बीच मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये आपका है, नहीं मालूम अभी याद नहीं आ रहा है। बहुत ही ऊंचाई पे है, ऐसे तो पता नहीं चल रहा, लेकिन बढ़िया सा व्यू पॉइंट है ये, जहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है फोटो खिंचवाते हुए नजर आएंगे आपका। ये देखिए इनसे कहाँ जा रही हो? ये आप देख सकते हैं मोती चौक इसको बोलते हैं, जनाना महल है। आप चाहे मुगल्स हो चाहे आपके परिवार के लोग, इसमें जनाना महल अलग से आपको दिखता है। दीवाने आम और दीवाने खास, ये इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे आपको दिखती हैं। जहाँ से ये एंट्री पूरा महाराणा द्वारा मेवाड़ का प्रमुख
जहाँ आप देख सकते हैं कि कौन कौन से लोग यहाँ पे कब से कब तक राज हैं, इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे आप यहाँ पर लीजिए पॉज करके देख सकते हैं। पूरी हिस्ट्री है कि कब से लेकर के कब तक किसने यहाँ पे राज किया है, चाहे कितने महाराणा यहाँ पे आए। 1955 से लेकर के 1984 तक महाराणा यहाँ से एंट्री है हमारी। पहले चेकिंग के बाद जो है यहाँ पे एंट्री इतनी खूबसूरती से चीज़ों को बनाते हैं, इतनी अच्छी नक्काशी होती है। लेफ्ट में जाओ, थोड़े से लेफ्ट में जाओ, आने दो इनको लेफ्ट में। भीड़ बहुत है हर तरफ, तो कृपया पहले इधर जाएं तो हम भी इनकी बातों का समर्थन करते हुए पहले इधर जाएंगे, देखते हैं। छोटे छोटे दरवाजे बनाए जाते हैं ताकि अगर कोई दुश्मन आए तो बहुत ही कम नुकसान हो सके, कम एंट्री हो सके, कम एंट्री होगी दुश्मन की कम नुकसान होगा। बहुत ही खूबसूरत सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आज भी इसका मेंटेनेंस बहुत अच्छा है, आज भी चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं। मुझे लगता है कि हाँ ये तो कंट्री बात है, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग से बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूरा जाए गाइड लेके चला जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि अच्छी खासी मास्टर हो जा रही है। हम तो बस फैमिली के साथ घूमने आए हैं, एक के अंदर ही बहुत सारे दरवाजे हैं, हर चीज़ को एक्सप्लोर करने थोड़ा सा मुमकिन नहीं है। ये जहाँ तक वीडियो में देखा था ये एक ही पत्थर से बना हुआ एक तरीके का कटोरा है, जिसमें चांदी के सिक्के से इसको भरा जाता है। इस तरीके से बाढ़ के दौरान जो है घोड़े से इतने छोटे इतने पतले रास्ते हैं कि एक बार में बस इतनी ठंडाई से गुजर सकते हैं। देखिए कितनी ऊंचाई पे यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं, यहाँ पे कितनी ऊंचाई पे देखो यहाँ पे किस तरीके से पौधे पेड़ लगाए गए, काफ़ी मेहनत लगा होगा। वैसे भी यहाँ पे पूरा पत्थर है, पथरीले रास्ते में भी यहाँ पे पेड़ किस तरीके से लगाए गए और बहुत ही खूबसूरत है।
यहाँ पे हर जगह कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखिए, ये साहब बैठे थे काफ़ी थकान के बाद हम वापस जा रहे हैं इसको एक्सप्लोर करना है। इसकी महीन कारीगरी साथ में इस तरीके से अलग अलग टाइम पीरियड के जैसे जिस तरीके से वहाँ पे हंसी का मजा आता था, जो कि गेस्ट आ रहा था, तो किस तरीके से चीज़ें होती थी उन सबको जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। इस तरीके से जब राजा इस तरीके से बड़ी अच्छी पेंटिंग्स यहाँ पे बनाई गई हैं, यहाँ पे फ्लैश से फोटो लेना बना है। सारी पेंटिंग अच्छे से पहले ये वेंटिलेशन का काम छोटे 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 पैक कर दिए यहाँ पे एग्जॉस्ट। यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास टाइम होना चाहिए, कितना आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए एक और बर्तन, हम तो अब थक गए हैं चीज़ों को एक्सप्लोर करते करते। बहुत सारी चीज़ें अब फैमिली के साथ में हूँ, एग्जिट खोज रहे थे अब हम मिल गया तो हम एग्जिट की तरफ भागेंगे क्योंकि बहुत हो गया, अब हम थक गए पूरी तरह से। अब वैसे भी हमने जो है पिचोला लेक में घूमने का भी